डिंडोरी के भीमपार पंचायत शिक्षा को बेहतर बनाने में जुट गई है। इसके लिए ग्राम पंचायत बेटा बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा दे रही है। भीमपार गांव में ग्राम प्रधान के चुनाव के बाद सरपंच कंधई सिंह भवेदी ने ग्राम स्तर पर ही पहले ही वर्ष में 1 से 12वीं तक की बालिकाओं की निःशुल्क कोचिंग सेंटर खोल और उनके सपनों को उड़ान दी, बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने का रास्ता भी तैयार किया। आज के दौर में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के बाद उच्च स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य क्लासेस में टफ कंपटीशन की चुनौती से पार पाने के कोचिंग एक अनिवार्य आवश्यकता हो गई है। प्रतिभा होने के बावजूद सही मार्गदर्शन और कोचिंग ना मिल पाने के अभाव में कई प्रतिभाएं आगे बढ़ने से वंचित हो जाती हैं। ग्राम प्रधान ने बताया कि पंचायत स्तर पर निःशुल्क कोचिंग क्लास के लिए 3 शिक्षक अपनी सेवाएं दे रहे हैं निःशुल्क, जिससे ग्राम पंचायत के बेटा बेटियों अच्छा पढ़ लिख कर क्षेत्र का, गांव का और जिले का नाम रोशन करें। वहीं निःशुल्क कोचिंग क्लास ग्राम स्तर पर खुलने से लोग सरपंच सचिव की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं सरपंच हो तो ऐसा। हिंदी में ठीक है ना, जोड़ना ठीक लिखे ना। हाँ, अब इसको हल करेंगे तो सबसे पहले किस तरफ से जोड़ना है हमको, यहाँ से जोड़ना है, यहाँ से, यहाँ से ना, मतलब शुरू यहाँ से करना है ना। ठीक है, तो 5 और 5 10 को कैसे लिखेंगे? हाँ, 10 की सुन है ना, हासिल में एक कहाँ लगाएंगे? 7 के ऊपर। ठीक है, ऐसा लगा के बोले लगा देना ना, तो 7 और 2 है ना, 10 धाम मतलब 7 धाम 70। 70 और इकाई में क्या है? 5। 5 क्या है? इकाई है, तो 5 एकम 70 और 5 कितने हुए? 75। ठीक है ना, इसके नीचे फिर क्या है? ये क्या है? घर, मतलब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? है?